हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्ट्रीट फूड रेसिपी बनाना बताऊंगी और बहुत ही डिलीशियस है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और अधिकतर सबकी फेवरेट होती है। और ये जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ, बहुत ही यूनिक सी है, स्ट्रीट फूड स्टाइल। जो मुंबई में हम बटाटा वड़ा खाते हैं ठेले पर, बस वही अपने तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं चुकंदर। दो चुकंदर को मैंने छील के धो के और अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और बिल्कुल ओरिजिनल रेड पिंक कलर आ रहा है। चुकंदर बहुत ही फ्रेश हैं। और चार मैंने आलू ले लिए थे उबले हुए, जिनको मैंने मैश कर लिया था। और आलू में अब मैं ऐड कर दूंगी चुकंदर। चुकंदर को अगर आप ग्राइंडर में ग्रेट भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और ये है फूल गोभी, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और धो लिया है। और ये है दो बड़ा ऑनियन, जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अगर आप इसमें अदर वेजीज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और गरम मसाला, थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी सौंफ, ये पतली वाली सौंफ है, और धनिया पाउडर, सारे ड्राई मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, और लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच भर के। थोड़ा चटपटा तीखा सा नाश्ता हम बना के रेडी करेंगे। और ये है नमक। नमक के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हल्दी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें पिंक कलर चाहिए स्टफिंग का। तो बहुत अच्छे से सारे मसालों को एक खट्टा कर लेना है और एकदम पिंक पिंक सा कलर हो जाएगा पूरी स्टफिंग का, आप देखिएगा। और अच्छे चटपटे हमारे जो हम नाश्ता बना रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। और इसकी गोल गोल बॉल बना लेनी है, जितने बड़े आपको बोंडा चाहिए उस अकॉर्डिंग आप बॉल बना लें। और वैसे तो नॉर्मली साइज़ के बोंडे रहते हैं, लेकिन आपको जैसा साइज़ अच्छा लगे। तो मैं सारी बॉल इकट्ठी बना के रख लूँगी और आप देखिए कि चुकंदर से कलर कितना अच्छा आया हुआ है हमारा। तो सारी चुकंदर की बॉल मैंने बना ली है। तो अब मैं बेसन को घोल की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने दो बड़ा कटोरी भर के बेसन लिया है, उसमें डाल दी मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। नमक डालने के बाद इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दें, अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये है सूजी। सूजी डालने से जो हमारे बोंडा की जो ऊपर की लेयर है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल हमको रेडी कर लेना है। और घोल हमें ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से घोल बना रही हूँ। तो घोल हमारा बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए, गाढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक मैंने डाल दिया है ऑयल और ऑयल को मैं चेक कर रही हूँ अभी गर्म है या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और एक एक जो हमने बॉल बना के रखी थी बेसन में अच्छे से लपेट के हाथों की हेल्प से डाल दें, आप चाहें तो फोक से भी डाल दें, लेकिन हाथ से बहुत अच्छे से बॉल डल जाती हैं। और एक एक करके आप चौड़े तले की कढ़ाई लें तो उसमें बहुत सारे बोंडे आ जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे बोंडों को डाल दूंगी और बहुत अच्छे से बोंडे हमारे बन रहे हैं। आपने देखा घोल ज़्यादा ना पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा, एकदम परफेक्ट घोल हमारा बेसन का बना है। तो आप एकदम इसको तुरंत ना पलटिए क्योंकि नीचे की लेयर जब तक क्रिस्पी ना हो जब तक आप पलटना नहीं। और तेल इस तरीके से आप स्पैचुला से ऊपर डाल दें जिससे जो ऊपर हल्के से कच्चे हैं वो भी सिक जाएंगे। और एक एक करके इनको घुमा घुमा के पलटते जाना है और हल्के हाथों से ही पलटना है क्योंकि अंदर सॉफ्ट रहेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है आपको। तो देखिए गोल्डन कलर के हो गए हैं हमारे बोंडा। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल है
दूसरी छन्नी में डाल के वो निकल जाएगा, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। और उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए हरी मिर्ची, क्योंकि जो हमारे बोंडा हैं, बटाटा वड़ा है के साथ में जो हरी मिर्ची है उसके बिना तो अधूरे हैं। तो अब मैं कर रही हूँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ठेले पर। तो ये गुड़िया यादव का ठेला है छोटू सा, तो आप मेरी प्रेजेंटेशन को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सारे जो बोंडे हैं वो मैं ठेले पर रख दूंगी। जैसे मुंबई में आपने देखा होगा कि बड़ा पाव, बटाटा बड़ा, कुछ भी स्ट्रीट फूड रहेगा वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ठेले पर। तो बस मैंने भी अपनी एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सारे बोंडों के ऊपर मैंने रख दिए मिर्ची, और एक बोंडा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और एक और प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। तो आप देखिए मिर्ची के साथ आप खाएंगे, लेकिन आप इन बोंडों को दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट की तरह हलवाई स्टाइल में मैंने बनाए हैं। तो आप लोग ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और हर बार की तरह मैंने इस वीडियो में अपनी रेसिपी में यूनिक तरीके से चुकंदर के बोंडे बनाए हैं। आप लोगों ने हमेशा आलू के ही बोंडे, बटाटा वड़ा खाए होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए चुकंदर के साथ इसको शेयर करे हैं। अगर आप लोगों को मेरी यूनिक सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाय।